अभी हम सब के बीच में बाबा के बहुत पुराने अनन्य रतन, स्पेशल रतन, हमारी आदरणीय कैलाश दीदी, हम सब के बीच में तालियां तो जोर से बजाओ। ओम शांति। अपना सर्वनु परम सौभाग्य छे जे गांधीनगर थी कैलाश दीदी अपनी वच्चे उपस्थित छे। अपने सर्व दीदीजीनु जोरदार तालियों थी स्वागत करिए छे। स्वागत छे, सम्मान छे, अभिवादन छे, अभिनंदन छे। वर्तमान समय नी अंदर श्राद्धना पवित्र दिवसों में ज्यां दरेक लोको भक्ति भावना थी पोताना पितृओं ने खूबज श्रद्धा थी खवड़ावी रिया छे, अने आवा पवित्र दिवसों नी अंदर दरेक लोको श्राद्ध मनावी रिया छे। श्राद्धनो बाबाए आपणने आध्यात्मिक अर्थ समझायो छे। बाबा कहे छे कि श्राद्धनो दिवस ए आपणा पितृओनी क्षमा मांगवानो दिवस छे। जाणता अजाणता पण तेमना दिलने जो दुख थयुं होय तो दिलथी क्षमा मांगी प्राश्चित करी स्वपरिवर्तन करवानो आ एक शुभ दिवस छे। पितृओना अथवा मात पिताना श्रेष्ठ संस्कारों अने शुभ प्रेरणाओने जीवनमां साथे राखी पोतानी कमजोरीओनुं दान करवानो आ एक श्रेष्ठ दिवस छे। मात पिताना आदर सन्मान करी तेमनी दुआओ अने आशीर्वादने प्राप्त करवानो आ श्रेष्ठ दिवस छे। आवा पवित्र दिवसनी अंदर आपणे सर्व अहींया उपस्थित थया छीए। आदरणीय दीदीजी आपणी वच्चे उपस्थित छे। आपणे एक वखत ऑनलाइन तो एमने सांभळ्या हता, पण आजे साकारनी अंदर एमनुं मिलन आपणी साथे थई रह्युं छे। खूब सुंदर अनुभवोनी खाण एमनी पासे छे आपणने लाभान्वित करवा माटे। दीदी आपणी वच्चे उपस्थित छे, थोड़ोक परिचय आपणे दीदीजीनो लईए। आदरणीय दीदीजी, आपनो जन्म 1947 देवभूमि हिमाचलमां थयो हतो। आप बचपनथी ज एकांत प्रिय अने शांतिना उपासक रह्या छो। सर्वना सहयोगी, उदारता, सरलता अने सादगीनी प्रतिमूर्ति दीदीजी आपे 1958 मात्र 11 वर्षनी उमरमां आपे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर्युं छे। थोड़ा ज वर्षोमां ईस्वीसन 1960 आप परमात्मानी अवतरण भूमि माउंट आबूमां मम्मा बाबा ने मळवानुं आपने परम सौभाग्य प्राप्त थयुं। बाबा अने दादीओना खूब ज नजीक रही आपे जीवननी अंदर खूब प्रगति करी, खूब सुंदर बाबा पासेथी पालना ने प्राप्त करी छे। वर्तमान समयनी अंदर आप गांधीनगरनी अंदर आपनी सेवाओ आपी रह्या छो, साथे साथे ईश्वरीय ज्ञाननो परचम लहेरावी आपे सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ग्राम विकास अभियान, नारी सशक्तिकरण अभियान, अलविदा तनाव जेवा अनेक कार्यक्रमोनुं आयोजन करीने लाखों लोको सुधी परमात्मानो संदेश आपवानुं कार्य कर्युं छे। तो एवा बाप दादाना दिल तख्त नशीन आदरणीय दीदीजी आजे आपणी वच्चे उपस्थित छे। तो आपणे मेहसाणानी आ फूलवाड़ी एटली बधी खुशनसीब छे कि अवारनवार आवा महान आत्माओनुं आपणने लाभ प्राप्त थई रह्यो छे। तो आजे आपणे सर्व साथे मळी अने आदरणीय दीदीजीनुं स्वागत करीशुं। હું બહેનોને અનુરોધ કરીશ કે દીદીજીનું પુષ્પ અને તિલક દ્વારા સ્વાગત કરશે। મહેમાન નવાજી ઓર દિલ સે સત્કાર હૈ આપકા, ફૂલો ઓર તાલિયો સે અભિવાદન હૈ આપકા, આપકે આગમન સે ગુલશન ભી ગુલઝાર હૈ, क्योंकि इस गुलशन का माली स्वयं भगवान है। इस गुलशन का माली स्वयं भगवान है। आदरणीय सरला दीदी नु पण आपणे दिल थी स्वागत करिए छीए। अभिवादन छे, अभिनंदन छे। आपनी शुभ प्रेरणा थी अपना जीवन नी अंदर ए श्रेष्ठ अनुभव ने अमे प्राप्त करी रह्या छीए। कौशल भाई जो गांधीनगर से कैलाश दीदी के साथ आए हैं, वो हैं क्लास आगे आ जाए। आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत है। बाबा के बहुत अच्छे कुमार हैं और बाबा ने ये इनको एक सौभाग्य दिया है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस संभाल करके चल रहे हैं।
पहले आप बैंक में जॉब करते हैं, लखनऊ में रहे, वहाँ पर भी बाबा के सेवा केंद्र पर थे। उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र भुज में हुई, वहाँ 10 वर्ष सेवाएं दी, वहाँ भी सेवा केंद्र पर रहे, और अभी आप गांधीनगर में हैं तो वहाँ भी बाबा के केंद्र पर रह करके आप ये सेवाएं कर रहे हैं। और कल दीदी को रथवान बन करके मैसाना तक लेकर के आए हैं, इसलिए यहाँ लाने के लिए आपका विशेष विशेष अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन है आपके साथ। वंदना बहन आप भी ऊपर आओ, ऊपर वहाँ की। अभी हम सब अपने पूर्वजों की बाप दादा के साथ आगे बैठो भैया, हाँ, स्मृति में बैठ बाबा को भोग लगाएंगे और उन सभी आत्माओं का भी आवाहन करेंगे। ये भी हम सब का एक परम सौभाग्य है। आज ऐसे वहाँ पर गांधीनगर में भी तो भोग होगा ना, सद्गुरुवार है, लेकिन आप सब के कारण से हम सब की भावनाओं को आपने पहले महत्व दिया, और वहाँ के क्लास को छोड़ करके कैलाश बहन हम सब के बीच में पहुँची हैं, तो बाप दादा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। और आपके जो अमूल्य गहरे अनमोल अनुभव के रतन हैं वो भी आप हम सबको देंगे। के उस पार पंछी रे।
पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता, तेरी याद
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हर चाहे, जुदा हर गिज न होंगे हम, जुदा
नसीन और सभी दीदियों दादियों के दिल पर राज्य करने वाली सरला दीदी तथा यहाँ की सभी बहनें भाई, आज बहुत बहुत खुशी हो रही है। सरला दीदी ने ये फुलबड़ी बनाने में कितनी कितनी न मेहनत की है वो मुझे शुरू से पता है। वैसे भी बगीचा जब बनाया जाता है तो कितनी न मेहनत लगती है ना, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे सुगंधित फूलों और फल और बहुत ही अच्छे छोड़ लगाए, बहुत अच्छी पालना दी, बहुत मजबूत बाउंड्री बनाई जिसमें कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन इस बगीचे की जो सुगंध है वो खूब दूर दूर तक जाती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुजरात में फर्स्ट नंबर का सेंटर है, इसलिए आप सब खूब दिल से तालियां बजाइए, कितनी मेहनत की होगी ना, कितने सारे सेंटर है, कितनी सारी गीता पाठशालाएं हैं, ये सब तो संभालते हैं पर इनको साथ साथ और भी बाबा ने यज्ञ की व अनेक सेंटरों पर जो दीदी का जाना होता है, ये जो योगिक खेती वगैरह है इसके कारण भी देखो पूरी इंडिया में दीदी जाकर के सेवा कर रही है। कितना न विशाल कार्य बाबा सरला दीदी द्वारा करा रहे हैं, सीखने जैसा है। और ऐसी मेहनत कर जो बाबा के कार्य को आगे ला रहे हैं, तो बस हम सब के हर कदम हर संकल्प बाबा दिन प्रतिदिन खूब खूब अच्छी तरह से पूरे करते हैं। बहन ने बहुत अच्छा परिचय दिया कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हमारा आना हुआ है। हमारे को तो कई सालों तक पता नहीं था कि हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं किसी से बोलती थी नहीं किसी से मिलती थी, इसलिए दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं था। पर जब हमारे को कृष्णा दीदी पंजाब में लाए और एक बार हिमाचल जा रही थी कुछ साल पहले, तो देखा ट्रक के पीछे भी लिखा है देवभूमि हिमाचल प्रदेश, बस के पीछे भी लिखा है, ऐसे से सब जगह। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा है, तो कि हिमाचल का नाम ही है देवभूमि हिमाचल। अच्छा, तब पता चला। तो बहुत छोटेपन में ही बाबा ने अपना बनाया और बाबा ने ही ये जो ध्यान का पार्ट है वो खोला। हमने तो बहुत प्रयत्न किया कि मेरा ये ध्यान का पार्ट ना खुले, मुझे बहुत डर लगता था शुरू शुरू में। जब मैं योग में बैठती थी, बहने बिठाती है छोटे छोटे बच्चों को भी, चलो योग में बैठो,
पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसे रस्सी बांध करके ऊपर खींच रहा है, इसलिए मैं बहुत डर जाती थी और कहती थी कि मुझे जो काम देना है ना वो मैं करूँगी, पर योग में नहीं बैठना है। तो दीदियाँ बोलती थी क्यों नहीं बैठना है, तो नहीं बस मैं सेवा करूँगी, झाड़ू लगा दूँगी या बर्तन मांज दूँगी या पोछा कर दूँगी ये वो। पर एक दिन हम किसी का अनुभव सुनते सुनते मैं इस ध्यान में गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा, दीदी ने खूब मेहनत की थी, एक घंटे तक योग में बिठाया, परंतु मन में और ही जैसे जड़ बनती जा रही थी। पर जब मैं ध्यान में नहीं गई तो दीदी ने हाथ पकड़ा, और ठंडी के दिन पंजाब में ठंडी बहुत होती है तो ऐसे खटिया पर बिठा दिया और ब्लैंकेट उठा दिया और दीवार के सहारे बिठाया, तो मैं बैठी रही होंगी और दीदी फिर ऐसे खड़े थी, मेरे को सब कुछ सुनाई देता था, सब पता चलता था कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे सकती थी, अपने आप उठ नहीं सकती थी, ऐसे जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना ऐसा मेरा शरीर हो गया था। तो फिर दीदी ऐसे खड़े खड़े दृष्टि देती रही, फिर थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं से करंट पड़ा, उसके बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा था। फिर शनिवार का दिन था, वो सुबह को लगभग 8:30 का टाइम था, और सोमवार शाम को लगभग 5 के आसपास जब वापस आई तो मैं बहुत खुश होंगी, और दीद बाबा ने भी हमारे को बहुत सारे फल दिए थे, ऐसे फल मैंने पहली बार देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए थे। बाबा ने बोला बच्ची इसका क्या करेंगी, मैं साथ में ले जाऊंगी। तो सबको खिलाएंगी बच्ची? जी बाबा पक्का? हाँ जी बाबा पक्का। तो बाबा ने खूब फल दिए, पर जब नीचे आई देखने लगी तो फल नहीं है। फिर दीदी को बोला दीदी ये जो फल थे ना वो बाबा ने दिए हैं, तो अपने कहाँ रखे? दीदी वो सुबह को क्लास में देने हैं। दीदी ने बोला कहाँ थे फल? मैंने कहा यहाँ ही थे। दीदी ने बोला कि ऊपर से कोई फल नहीं आता है। मैंने कहा नहीं, बाबा ने दिए थे और बोला क्लास में खिलाना, तो मैंने बोला था कि मैं पक्का खिलाऊंगी। अरे बोला दीदी जाते हैं तो थोड़ी ऊपर से कोई फल लाते हैं। मैंने कहा दीदी को बाबा नहीं देते होंगे, मुझे दिए थे। दीदी ने बोला नहीं नहीं उठो तुम ना लो। मैंने कहा मैं नहाई हूँ सुबह को। दीदी ने बोला तुम तो शनिवार को नहाई थी, आज सोमवार हुआ अभी। हाँ तो 3 समझो बाबा ने बर्तन में रखा तो भी कुछ पता नहीं चला कि 3 हो गए हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि बाबा बुलाता है और कोई गला घुट नहीं जाता है, कुछ होता नहीं है। फिर कोई ऐसे काम होते थे तो बाबा के पास जाते थे, पर बहुत नहीं, मैं छोटी थी ना तो इतना बहनों को ऐसा लगता था ये तो छोटी ऐसे खेलती है। एक बार हम होशियारपुर सेंटर पर थी, हमीरपुर हिमाचल में ही, और चंद्रमणि दादी आने वाले थे, तो मेरे को दीदी ने बोला कलश जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके आओ। भले तो उस समय शुरू में ये जो झाड़ और त्रिमूर्ति होती है ना उसमें लिखत होती थी, तो मैं झाड़ू लगाते लगाते ना वो लिखत मेरे को दृष्टि पड़ी और मैं देखती रही। मैंने बोला मुझे सब कुछ दिखाई देता है लेकिन मुझे पढ़ना क्यों नहीं आता है, और सब लोग भी देखते हैं और पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते होंगे, दिखाई तो मेरे को भी देता है। फिर ऐसे बाबा को भी बोलती होंगी कि बाबा
अपने मुझे ज्ञान दिया तो पढ़ाया क्यों नहीं। ऐसे कुछ बातें करते करते बाबा ने ऊपर बुला लिया। जब हम बाबा के पास गए तो झाड़ू ऐसे ही था ना, आगे ही पड़ा हुआ था और बैठी बैठी चली गई। तो दीदी ने सोचा अभी तक कलश आई नहीं, अभी तक नहीं आई, तो दीदी देखने आई होगी। परंतु हम जब ऊपर से नीचे आई तो मैं ऊपर होगी और दीदी देखती रहती होगी। नीचे आकर के देखा, धीरे धीरे ही फिर होश में आते हैं ना। तो जब मैं एकदम अच्छी तरह नीचे आ गई, देखा तो दीदी सामने खड़े हैं। तो दीदी ने बोला, कैलाश बाबा के पास गई थी। जी दीदी। क्यों, किसी ने बोला था ना? तो क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा बाबा ने बुला लिया था। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला कि किचन में जो सब बच्चे काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत याद देना, और बोला कि बहुत ध्यान से काम करे, खूब बाबा की याद में रह के काम करे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बोला चलो चलो जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लो, दादी आएंगी। भले, फिर झाड़ू पोछा किया और निकले। फिर हम कपड़े धोने के लिए ऐसे पानी खूब भर करके रखा। इतने में क्या हुआ कि जो खाना बना रहे थे उन्होंने रात्रि को चने की दाल पलाड़ करके रखी होगी, और माताओं ने ऐसे सोचा कि बहनों ने दुलाई करके डोल भर करके दाल रखी है, पर वो पानी में फूल गई थी, ऊपर आ गई थी पर नीचे पानी था। तो जैसे ही तेल गर्म था और ऐसे करके डोल से ही वो डाला दाल, तो एकदम पानी के कारण वो उछला, थोड़ी सी आग लगी, लेकिन वो घास की झोंपड़ी जैसा था, बुझा दिया। फिर दोपहर को जब भोग लगाया तो पंजाब की बहने आई हुई थी, बोला कि बाबा को बोलना कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, बाबा क्यों ऐसा हुआ? तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि बाबा ने तो बच्चों को सावधान किया था, तो क्यों मना, बाबा ने जो संदेश दिया था पर मना बच्चों ने ध्यान पर नहीं लिया होगा या क्या? तो फिर दीदी ने बोला कि बाबा वो तो छोटी बच्ची ने बोला था कि ध्यान से काम करना, बाबा की याद में करना, पर वो तो छोटी बच्ची थी ना, इसलिए हमने बहुत गंभीरता से नहीं ध्यान पर लिया। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने बोला बच्ची छोटी थी पर संदेश देने वाले बाबा तो छोटे नहीं थे ना बच्चे। तो बाबा में से ये जो ध्यान के पार्ट जो शुरू में चले, इसके द्वारा भी बाबा खूब सेवा कराते थे। हमने देखा कि कई बार हम लोग इतने हल्के रहते थे, हम लोग जैसे अभी मेहनत करते हैं योग में, हर बात में कितनी मेहनत करते हैं, उसमें थोड़ी भी कोई चीज़ गुम हो जावे या ना मिले या कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ जावे, तो हम लोग तुरंत बाबा को बोल मना संदेश देते थे, ऐसा ऐसा हुआ है बाबा क्या करें, ऐसा हुआ है बाबा क्या करें। तो बाबा फिर तुरंत उत्तर भी दे देते थे। पर बाबा एक बार हम लोग अहमदाबाद में ही मना थे, रहते थे, लेकिन फिर हमारे को दीदी ने गांधीनगर भेजा, और एक भाई पोपट भाई करके थे, बहन जानते हैं अच्छी तरह, बड़े भाई थे, तो उनका ही कोई संबंधी ने शरीर छोड़ा हुआ था और वो शोक सभा में गए हुए थे। तो
बहुत लोग रो रहे थे भाई क्यों मर गए तो मर गया, अभी खत्म हो गया, अभी तो आने वाला नहीं है। इतने मना रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं अपने को, ऐसा क्यों? तो फिर किसी ने बोला कि उनका 32-33 साल का ही लड़का था और वो मर गया, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इसलिए, और एक्सीडेंट में मर गया। तो अभी उसके माँ को ऐसा होता है, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ तड़फ रहा होगा, कहाँ भटक रहा होगा, उसको जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पोपट भाई से ऐसा बोला गया कि हमारे सेंटरों पर हर गुरुवार को भोग लगता है और बहने भगवान को भोग लगाती है, तो उस समय हम उनको बोलेंगे तो वो बताएंगे, बाबा से पूछेंगे कि वो कहाँ है, आत्मा दुखी है, भटक रही है या कहाँ है। तो बोला ठीक है, वो तो बोले जो करना पड़े सो करना, पर मेरे बच्चे का समाचार लाओ। फिर पोपट भाई मणिनगर से ट्रांसफ़र होकर के पालड़ी गए, उन्होंने उनके लड़के ने नया घर लिया हुआ था तो वहाँ रहने गया हुआ था, तो उसने शारदा बहन के पास गए, शारदा बहन ऐसे ऐसे एक लड़का मर गया, हमारे को भोग लगवाना है। लग ज्ञान में आते थे कि ना, तो उसके मम्मी पापा ना, उसके कोई संबंधी तो कि ना, तो बोला फिर हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो बोला दीदी मैं बोल के आया हूँ, भले बोल के आए हैं लेकिन कोई ज्ञान में ही नहीं चलता है तो हम भोग नहीं लगा सकते हैं। बोला ठीक है, सरला दीदी से पूछो। फिर सरला दीदी से पूछा, उन्होंने भी यही बोला भी कोई परिवार वाले ज्ञान में ही नहीं चलते हैं तो फिर कैसे भोग लगाएंगे, कोई तो होना चाहिए ना जो इस संस्था को समझे। बोला कोई नहीं है दीदी, तो हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो पोपट भाई फिर बड़ा भाई भी थे और मैंने बहुत अच्छी तरह उन्होंने फिर ऐसे बोल दिया कि दीदी ऐसा करो ना, आप कैलाश बहन को बोलो बाबा से पूछ करके आवे, अगर बाबा बोलेगा भोग लगाने का तो लगाएंगे, अगर बाबा मना करेगा तो मैं निरसंकल्प हो जाऊंगा, पर एक बार बाबा से पूछो। तो दीदी को हुआ कि ठीक है, बेचारा बोल रहा है तो कुछ दीदी कैलाश को बोलते हैं। फिर तुरंत मेरे को भी फ़ोन किया, हमने भी बोला दीदी ज्ञान में चलते हैं तो कि कोई नहीं चलता है दीदी, फिर तो कैसे भोग लगा सकते हैं, आपको मना कर देना चाहिए ना। दीदी ने बोला कि कैलाश ने मना किया है, बड़े भाई हैं और बेचारे को इच्छा है कि बाबा से पूछो तो तुम पूछ करके आओ। भले, फिर गए बाबा को सारी कहानी सुनाई। बाबा ने बोला बच्ची भले भोग लगाओ। मैंने कहा बाबा वो ज्ञान में कोई नहीं चलता है, और हमने सब ने, दीदी ने भी मना किया है, शारदा बहन ने भी मना किया है, मैंने भी मना किया है। बोला भले मना किया पर भले भोग लगाओ, भोग लगाने में बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है, बहुत बड़ा कल्याण है बच्ची, भले भोग लगाओ। तो हमने दीदी को बोला, दीदी ने शारदा बहन को बोला, पोपट भाई को बोला कि भले भोग लगाओ। फिर उसके परिवार को मिल करके 2-3 दिन के बाद भोग लगाया। जब भोग लेकर के गए तो बाबा को बोला, बाबा जो भाई के लिए आपने बोला था भोग लगाने के लिए तो उसके लिए हम भोग लाए हैं। बाबा ने बोला बच्ची वो बगीचे में बच्चा बैठा है, खिला के आओ और बात करके आओ। भले, तो जब वो भाई के पास गए, एक तो हम पहचानते ही नहीं थे, मालूम ही नहीं था, लेकिन फिर जब भोग उसके आगे रखा और बोला आपके परिवार वालों ने बहुत बहुत याद दी है और खाना भी लाए हैं आपके लिए, और परिवार वाले सब आपके भाई भाभी माँ बाप पत्नी सब
बहुत याद करते हैं, वो सब सुनता रहा। और फिर उसने मन देखता था, ऐसे नीचे ही देखता रहा। फिर हमने बोला ये मन भगवान के घर का प्रसाद आपके लिए लाए हैं, तो आप खाइए। फिर उसने ऐसे करके माथा टेक करके खूब ऊंची भावनाओं से वो खाना खाया। खाना खाने के बाद इतना ही बोला कि बहन जी, आप जो कुछ पूछा है ना, वो उसका उत्तर जो है ना, मैं 2-3 दिन के बाद दूंगा, जब आप दूसरी बार आएंगे तब। मैंने मन ही मन सोचा और बोला कि बड़ी मुसीबतों से तो अभी आई हूँ, कितनी जगह मना 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 करते, और फिर बाबा ने बोला और मैं आई हूँ। अब ये भाई बोलता है कि मन आप जब दूसरी बार आएंगे तब मैं आपको मन मैसेज दूंगा। फिर मनो बाबा ने नीचे भेजा, मैं नीचे आ गई। इतना जो बाबा ने बोला और लड़के ने बोला वो सुना दिया। तो दीदी ने बोला कि वो भाई ने याद तो दी होगी ना कैलाश परिवार को। ना दीदी, माँ बाप के लिए कुछ तो बोला होगा। दीदी कुछ भी नहीं बोला। तो सब चुप रह गए। फिर वो उसका भाई खड़ा हुआ और बोला कि दीदी, मेरे भाई का ये स्वभाव था, उसको हम लोग बोले कि हमारे को दिल्ली घूमने जाना है, भैया आप आएंगे? तो वो तुरंत बोलेगा कि मैं 2-3 दिन के बाद सोच करके बताऊंगा। तो बोला मर जाने के बाद भी उसने वही बोला कि मैं मन दो जब दूसरी बार आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो मन फिर दीदी ने बोला ठीक है, दूसरी बार भोग लगाएंगे। तो 3-4 दिन के बाद फिर से जब भोग लेकर के गए, तो जाते ही जैसे ही उसने देखा हमें, तुरंत खड़ा हुआ और बोला दीदी आइए। फिर मैंने बोला आप पहचानते हैं हमारे को? तो कि हाँ। मैंने कहा कैसे? तो बोला दीदी आपने मणिनगर में प्रदर्शनी लगाई थी, वो मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। और जब मैंने शादी की तो शादी करने के बाद हम आबू गए थे, तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा म्यूजियम है, उस म्यूजियम में मैंने 3 दिन की हम दोनों ने शिविर की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, तो मुझे बहुत, मैं आप सब ब्रह्मा कुमारियों को जानता हूँ। अच्छा, फिर हमने बोला कि आपके मम्मी पापा तो बहुत चिंता करते हैं, पता नहीं मेरा लड़का किस स्थिति में होगा। तो बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को बोलना मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं कहीं भटक नहीं रहा हूँ, मैं बहुत शांति में बैठा हुआ हूँ। मम्मी पापा ने पूछा है कि आपकी कोई इच्छा हो, आपका कोई अधूरा संकल्प रह गया हो तो मैं पूरी मन पूरा करूँगी। तो वैसे तो मेरे सब संकल्प पूरे हो गए हैं, माँ बाप ने मेरे को बहुत अच्छी तरह पाला संभाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, खूब आगे बढ़ाया, लेकिन जिस समय मुझे मम्मी पापा के पास रहना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए थी, उसी समय मैं वहाँ नहीं हूँ। परंतु हर एक के हिसाब किताब होते हैं ना, मैं जा रहा था मेरे फ्रेंड को पैसा देने के लिए, उसको कुछ 40,000 रुपया उसको किसी को देना था, वहाँ जा रहा था। तो जाते समय वो जब कैलिको मिल है ना अहमदाबाद में, वहाँ पर जा रहा था,
तो एक साइड सब्जी मंडी है, तो वहाँ से ट्रक भर करके वो जा रहा था। तो ट्रक भी स्पीड में था और वो बाइक वाला भाई जो था वो भी स्पीड में होगा, तो रॉन्ग साइड जो ट्रक आया ना उसके साथ जो थड़ाया और गिरा, ट्रक ऊपर से घूम गई तो उसी समय ख़त्म हो गया। तो बोला कि मेरी मम्मी को बोलना कि मेरे को जो पैसे देने थे वो मैंने नहीं दिए हैं, और वो पैसे मना जो पुलिस वाले थे उस समय तो बहुत पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो उन्होंने ले लिए थे, तो पैसे मैंने नहीं दिए हैं, उस फ्रेंड को पैसे दे देना। दूसरा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु मम्मी ने पूछा है तो मैं बताता हूँ, मेरे परिवार में किसी को भी मालूम नहीं है, मम्मी पापा बहन भाई भाभियाँ पत्नी किसी को नहीं, पर मेरा एक फ्रेंड है वो सब कुछ जानता है, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के ये अंबाजी में 2 प्लॉट लिए थे। हमारे को कुछ करने का था तो वो तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसी इच्छा है कि वो जो जगह ली हुई है मेरी, उस जगह पर अगर बाबा का सेंटर बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर हमने बोला, भैया आपका फ्रेंड कौन है वो भी हमें पता नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, कुछ भी मालूम नहीं है, और आपका प्लॉट कहाँ है वो भी पता नहीं है। तो मना हम तो क्या कैसे वहाँ सेंटर बना सकेंगे। तो बोला कि बेन, मेरा जो फ्रेंड है वो हर रोज जो घर से ऑफिस जाता है तो उसका जो रास्ता है वो सेंटर से ही बाजू से गुजरता है, तो अभी भी वो ऑफिस जा रहा है, उसको मैं सेंटर पर भेजता हूँ। वो सब कुछ सुनने के बाद आपको बता देगा, भले। तो फिर जब बाबा को खाना खिलाया और उसको भी खिलाया और नीचे आई, हम सुना रही थी, तो उसी समय बैठा भाई, लेकिन हमें कोई ख्याल नहीं था, लेकिन उसने सारा संदेश सुना। सुनने के बाद वो खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके नमस्ते करके बोला, बहन जी आपने जो ये संदेश सुनाया ना, तो उस जो मना हमारे बीच से अभी चला गया है, हमारे बीच में नहीं है, उसका फ्रेंड मैं ही हूँ, मेरे को ही उसने कागज वगैरह जमीन के दिए हैं, मुझे ही उसने बोला था कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक हमने ये जमीन ली है, वो किसी को नहीं सुनाना। तो अब उसने ही बोल दिया, आपको तो कुछ पता नहीं था, अभी उसने बोला है तो मैं कागज वगैरह जो भी हैं वो मम्मी पापा को दे दूंगा, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन शाम को आने के बाद दूंगा, फिर मम्मी पापा को जो करना सो करें, बाकी प्लॉट देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, वो अंबाजी में है। तो फिर उसके मम्मी पापा सरला दीदी और शारदा दीदी के पास खड़े हुए हाथ जोड़ के, और बोला, दीदी मेरे बच्चे की अंतिम इच्छा है, अंतिम संकल्प है कि मैंने जो जगह ली है उस पर बाबा का सेंटर बने तो बहुत अच्छा है, तो दीदी आप वहाँ सेंटर बनाओ, उसमें जो भी मदद चाहिए होंगी हम करेंगे, पर हमारे बच्चे का लास्ट अंतिम संकल्प को पूरा करो।
और दीदी हम लोग सब मिलकर के अंबाजी में खूब मेहनत करते थे, जगह नहीं मिलती थी, सेंटर नहीं मिलते थे। और दीदी ने कई बार भोग में भी पूछवाती थी कि बाबा को पूछ करके आओ कि जमीन मिलेंगी या घर मिलेगा या क्या मिलेगा, कब मिलेगा। तो हम लोग जाते थे और पूछते थे कि बाबा हमारे को अंबाजी में जो घर है वो वापस ले रहे हैं और अभी सेंटर के लिए नहीं जगह मिलती है, नहीं घर मिलती है। तो दीदी बोल रही है कि घर कब मिलेगा। तो बाबा कहते बच्चे समय आने पर अपने आप ही मिल जाएगा। तो दीदी बोलती थी कि लक्ष्मण आप लोग अच्छी संदेशी नहीं हो, आप लोगों को बाबा जो बोलते हैं ना वो सुन करके आ जाती हो। बाबा से पूछना चाहिए कि कौन सी तारीख को मिलेगा, कौन सा घर मिलेगा, कहाँ है वो जगह, कौन सी तारीख को मिलेगा, सब बाबा से पूछो तो बाबा बताएगा। ऐसे दीदी कई बार हम लोगों के साथ हंसते थे और बोलते थे कि सब कुछ पूछा करो। तो देखो हम लोगों को सपना में भी नहीं था, लेकिन कैसे ये भाई ने शरीर छोड़ा, कैसे बाबा के पास गए और कैसे उस आत्मा ने अपने संकल्प सुनाए और आज देखो जो अम्बा जी का सेंटर है वो उस भाई की उस जगह पर है। तो कैसे देखो ये जो भोग लगाते हैं ये भी शुरुआत में देखो जैसे कोई शरीर छोड़ता था तो हम लोग 12-13 दिन भोग लगाते थे, है ना। और अभी भी जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, परंतु शुरू में जब भोग लगाते थे तो बाबा अथवा तो वो आत्मा भी अपने संकल्पों को सुना देते थे। तो और वैसे भी हम लोग जब भोग लगाते हैं तो उन आत्माओं को योगदान व शांति का दान देते हैं ना। तो जो कुछ हम लोग करते हैं वो भावनाएं उन आत्माओं के पास पहुंचती है और वो लोग देखो कैसे एक सूक्ष्म में लास्ट जो संकल्प थे या होते हैं तो वो भी बोल देते थे और वो भी बाबा पूरा करता था। वो आत्माओं के संकल्प कैसे सुनते थे और बोलते थे। तो ऐसे कई बार बाबा ये संदेश द्वारा भी बहुत सारी सेवाएं करवा लेते थे। हम जब मणिनगर में थे तो दीदी कहीं पंजाब गए हुए थे कोई 15 दिन के लिए और हम मणिनगर में थे तो हम तो छोटे थे ना, तो दीदी तो जास्ती पैसा नहीं दे करके जाएंगी ना। थोड़े से हमारे को लगभग 800 रुपया दिया हुआ था और हम थे उस समय वहाँ, मम्मी हमारे साथ में रहती थी। अगर जास्ती पैसा चाहिए तो मंजुला बहन से ले लेते थे। तो क्लास में गुरुवार का दिन था और भोग लेकर के गए तो बाबा ने बर्तन में बहुत बड़ी स्टेज दिखाई, बहुत बड़ी और बहुत ऊंची दिखाई और उसमें 9 देवियों की झांकी दिखाई और इतनी अच्छी सजी सजाई कि मैंने तो पहली बार देखी। इतनी खुश बाबा को बोला बाबा देखो तो सही कितनी अच्छी देवियां हैं और इनको देखने के लिए कितने लोग आए हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। बाबा ने बोला बच्ची ऐसी ही झांकी आप बच्चे नीचे जाकर के बनाएंगे ना तो इससे भी डबल भीड़ लगेंगी। तो बाबा को बोला अच्छा तो बच्चों को जाकर के सुनाओ और ऐसे बनाना। तो फिर हमने नीचे आकर के क्लास में सुनाया, दीदी तो थे नहीं और 3 दिन के बाद ही
वो नवरात्रि शुरू हो रही थी, तो फिर मीटिंग की हसमुख भाई, पोपट भाई वगैरह सब ने, तो भैया को तो कहीं जाना था, वो तो चले गए, लेकिन पोपट भाई बैठा रहा। बोला क्या क्या देखा था, कैसे कैसे था ये वो, फिर से संदेश सुनाओ सुना। और फिर बोला कि अच्छा हम लोग भी यहाँ बनावे तो सही, लेकिन उसके लिए तो समय चाहिए, पैसे चाहिए। तो फिर दीदी नहीं है मेन, दीदी होवे तो कुछ करे ना। तो पोपट भाई ने बोला निश्चिंत रहो, मैं हूँ, हम लोग कुछ करते हैं, बनाते हैं, दीदी मना नहीं करेंगी। फिर बोले तो बहुत सस्ता सा वो पत्रू लेके आए टीन का, और छीनी से ऐसे से कट कट करके एक अम्बा जी का, मना पहले दिन अम्बा जी को रखे तो बाग बनाया। सारी बहुत मुश्किलात से तैयारी की, तो देवी बनाने के लिए बिठाया। बोले भाई किसको देव बन, आप बनो। तो मैं नहीं बनूंगी। उसको बोला आप बनो। तो ना वो कितने लोगों को, अच्छी अच्छी बहनों को बोला आप देवी बनो आप। ना ना भाई, हमारे को कोई पत्थर मारे तो हम नहीं बनेंगे देवी, ऐसे कैसे स्टैचू बन करके बैठेंगे हम नहीं। तो फिर अभी क्या टाइम हो गया बैठने का, तो अभी तो कोई बैठे कोई ना तैयार हुए। फिर सब ने बोला कि मंजुला बेन जो भी जो संदेश लेके आई है ना उसको बिठाओ, उसको पता है कि कैसे बैठना है और कैसे वहाँ बैठी हुई देखी है, तो वो ही बैठे। तो हमने बोला हम तो कैसे बनेंगे देवी, तो कलरिंग कपड़े जेवर ये वो सब, हम तो ऐसा बन बैठ ही नहीं सकते, ऐसे कैसे कलरिंग कपड़े हम पहनेंगे। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं कैलाश बहन कोई हर्जा नहीं, देखो ये सेवा है ना, सेवा के लिए हमारी जीवन है, तो ये भी सेवा के लिए बाबा ने कुछ संदेश दिया है। सब लोगों को डर लग रहा है तो पहले दिन आप बैठो। फिर मम्मी के कहने पर हम लोग मिस अम्बे माँ बनी, बहुत अच्छा लगा, इतनी पब्लिक भी काफ़ी आई और सब लोग काफ़ी मनोभावनाओं से आते गए। नस्तिक में ही गरबा चलता था, गरबे वाली पब्लिक भी आने लगी और सबको पता चला कि भई अभी रोज़ यहाँ नई नई झांकी बनाएंगे। और फिर तो काफ़ी दूसरे दिन से तो जो भीड़ लगने लगी, हर रोज़ पहले दिन हमने अम्बे माँ बनाई, फिर लक्ष्मी और कालका बनाई, ऐसे तीन देवियों की झांकी, फिर पांच की रखी, फिर नौ देवियों की रखी। और बहुत बड़ी ये हॉल्स जितनी बड़ी मना स्टेज बनाई होगी और काफ़ी ऊंची, इतनी पब्लिक, काफ़ी हम लोगों ने पुलिस प्रबंध करना पड़ा था। परंतु ऐसे देखो बाबा ने संदेश द्वारा भी, जैसे बाबा ने कहा था कि बच्ची इसके द्वारा भी बहुत सेवाएं होंगी और ये झांकी अनेक जगहों पर की जाएंगी, तो ऐसे उस समय ये भी बहुत अच्छी तरह से चला। और बाबा में ऐसे कई ऐसे बातें थी जो बाबा बता देने से काफ़ी नुकसान होने से बच जाते थे। हमारे मणिनगर में एक किशोरी बहन है, तो काफ़ी सेवा में आगे है, काफ़ी सेवा करती है, घर में रहती है, तो वो बहुत गरीब थी, परंतु मैंने उसकी जो पियर घर था वो अच्छा था। तो एक दिन वो पियर घर गई तो उसको ना बहुत अच्छी घड़ी उसकी बहन ने सुगात में दी हाथ में पहनने की। हमारे को भी वो घड़ी बहुत अच्छी लगती थी,
तो वो पहनी हुई होंगी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। 2-3 दिन वो गुम ढूंढती रही, नहीं मिली। तो हम लोग गुरुवार सुबह को और रविवार शाम को भोग लगाते थे। तो जब रविवार था तो भोग लगाने का था, और दीदी ने मना, दीदी को उसने बोला, तो बोला कैलाश तो भोग में बैठ गई है, जल्दी जाओ, जाने से पहले उसको बोल दो पूछ करके आवे। तो बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे किशोरी की घड़ी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही है। और बाबा किशोरी और दीदी ने बोला है कि बाबा से पूछ के आना घड़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो बाबा ने बोला कि बच्ची को बोलना घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। जिस टाइम गया मैंने बोला बाबा एक ही घड़ी थी। बाबा ने बोला बच्ची को बोलना घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। अभी 3 दिन मना वो समझो गुरुवार को गुम हुई होगी, हम लोगों ने रविवार को पूछा, तो उसको है ना अच्छा नहीं लगा बहुत। कैसे मना कैलाश पूछ के आई कि घड़ी मिलेंगी घड़ियां नहीं। अरे तेरे को बोला था कि घड़ी कब मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, और आप घड़ी मिलेंगी और घड़ियां नहीं मिलेंगी, ये क्या संदेश लाई। फिर तो नाराज होकर के वो चली गई घर। बच्चे को मतलब छोटे से बच्चे नहीं, खटिया होती है, वो खटिया डाली और वो झोंपड़ी में रहती थी। वैसे कोई मिल मालिक था उसके घर में, कंपाउंड में ही उसने घास की झोंपड़ी बांधी हुई थी, और वहाँ वो और उसका बच्चा और पति रहते थे। तो वो ऐसे रखा खटिया लोन में, और बच्चे को उस पर सुला दिया, और खुद बर्तन लेकर के मांजने के लिए लोन में ही बैठी। तो जैसे ही ऐसे करके वो बर्तन रखने गई तो वहाँ लोन में घड़ी पड़ी थी। फट से उसने घड़ी उठाई और बच्ची की खटिया पर बैठ गई, और सोचने लगी बाबा ने क्या संदेश दिया था, घड़ी मिल जाएंगी घड़ियां नहीं मिलेंगी। घड़ी के पीछे जो इतनी घड़ियां गई वो नहीं मिलेंगी। फिर सोच अरे रे, देखो बाबा ने बोला था और देखो भी घड़ी मिल गई, पर मैं 4 दिन से घड़ी कहाँ गई होंगी, घड़ी किसने ले ली होंगी, घड़ी नहीं मिल रही है, घड़ी नहीं। कितना समय मैंने एक घड़ी के पीछे कितनी घड़ियां गंवा दी। तो सच्ची बाबा ने जैसे बोला ऐसे कितना मेरा समय चला गया। अगर इतना समय मैं बाबा को याद करती तो ऐसे मना जो समय है वो कितना वैल्यूबल है। एक चीज के लिए हम कितना सारा समय गंवा देते हैं। तो समय पर बाबा देखो कितना अच्छी तरह इशारा दे देता है, हाँ, और हम बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे पास एक बहन थी, वो मतलब एक वो अच्छी तरह समझो ज्ञान में चलती थी, पर बहुत छोटी थी। बड़ी बहन भी आती थी, छोटी भी आती थी, उसके माँ बाप भी आते थे। चलते चलते अचानक उसको टंसल थे गले में, छोटी बच्ची को, 8 साल की थी, 8-9 साल की होगी। तो उसके गले का ऑपरेशन किया और बच्ची मनो अच्छी ऑपरेशन हो गया, सो गई। हम भी अहमदाबाद दीदी के पास गए हुए थे। शाम के टाइम फोन आया और बताया दीदी हमारी बच्ची को ब्लड की वोमिटिंग हो रही है और बंद नहीं हो रही थी, अभी लड़की थोड़ी ब्लैक होती जा रही है। और एकदम डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टर अभी ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और अभी भगवान कुछ करे तो ठीक है। बाकी लड़की 3-3.5 घंटे ही
हमारे पास है, तो जिसको भी बुलाना बुला लो। तो उसने ने सबसे पहले दीदी को फ़ोन किया। दीदी ने बोला कैलाश ऐसे ऐसे है। मैंने बोला मैं अभी जाती हूँ। बोला अरे तुम बैठ, कहाँ जा रही हो? गांधीनगर। बोला पहले बाबा से पूछो कि वो लड़की इतनी सीरियस है तो हम क्या करें, आपको जाने में तो 1.5 घंटा लगेगा या 1 घंटा, तो आप पहले यहीं पूछो, फिर मैसेज दो, फिर निकलो। भले। फिर बाबा के पास गए, बाबा को सारा सुनाया। बाबा ने बोला कि बाबा बच्ची के पास से ही आए हैं, और बच्ची का जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन करते समय अंदर की नस कट गई है, तो वो जो गले की नस कट गई है तो बच्ची को ब्लड चढ़ा दो, और वो जो नस कट गई है उसको जॉइंट कर देंगे तो बच्ची बच जाएंगे। तो फिर हमने एक बहन को फ़ोन करके सारा मैसेज लिखवाया, और मैंने बोला कि हॉस्पिटल में देके आओ, तो वो देख करके आई। तो उसका जो पापा थे वो ऐसे मैसेज पढ़ रहा था और रो रहा था। तो उतने में डॉक्टर आए, बोला मनु भाई क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो वो तो रो रहा था ना, तो उसने चिट्ठी दे दी। तो डॉक्टर ने पढ़ा और उसने तुरंत दूसरे डॉक्टरों को भी बुला लिया, पेशेंट को अंदर लिया और गला खोला, ब्लड तो चढ़ा दिया, गला खोला, देखा तो सच्ची नस कट गई है। और फिर से उन्होंने जॉइंट की, और बच्ची में थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगाऊंगा थोड़ा थोड़ा। हमारे को जाने में तो 10:30 हो गए थे रात्रि को। जैसे घर में पहुंची बोला दीदी आपको अभी ही हॉस्पिटल में बुलाया है। मैंने बोला बच्ची है, क्योंकि तो पता नहीं, ठीक है 10:30 बज गए हैं, अभी कैसे जाएंगे हॉस्पिटल में? उस समय तो मना नहीं रिक्शा मिले, नहीं कुछ साधन होते थे, और बस स्टैंड भी काफ़ी दूर होता था, तो क्या करें। फिर राजू भाई की बहुत पुरानी जंक वाली एक वो साइकिल थी, लेडीज साइकिल, फिर वो रात्रि को निकाली और हमने चलाई, एक बहन को पीछे बिठाया, दोनों ऐसे ऐसे करते करते वो उस पर पहुंचे हॉस्पिटल में। गिराया तो नहीं? ना ना साइकिल तो अच्छी तरह चलाती थी। फिर तो गए और हॉस्पिटल में पहुंचे तो लगभग 25 के करीब डॉक्टर बैठे हुए थे। मैंने ऐसे जैसे रूम में गई, मैंने कहा पक्का वो लड़की मर गई, और इतने सारे लोग बैठे हैं। तो जैसे मैं दरवाजे पर खड़ी रही तो उस लड़की का पापा आए, दीदी आओ अंदर, और सभी डॉक्टर्स को बोला कि आपको जो प्रश्न पूछना है वो दीदी आ गए अभी पूछो। तो उन्होंने बोला कि कैलाश बहन हमारे को अहमदाबाद में बाबा को मिलने जाना है, तो आप अभी हमारे को बाबा के पास ले चलो। अहमदाबाद में कौन सा बाबा है? अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है। बोला नहीं लेटर लिखा है ना। उनका कौन सा लेटर? उन्होंने दिखाया। फिर हमने बोला कि अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है। बोला नहीं हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं और नहीं घर में जाएंगे। मैंने कहा देखो आप लोग सब अपने अपने घर में जाओ, ना दो के खाओ पियो, अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है, पर मैं बाबा के पास आप सबको ले जाऊंगी। बाबा का घर माउंट आबू में है, तो आप न सब
वहाँ पर चलना, बाबा को ढूंढना, बाबा को मिलना और बाबा का अच्छी तरह परिचय देंगे आपको। अब भी आप जाइए, बाबा में मैंने अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है। तो कहते दीदी चिट्ठी लिखी है, मैंने बोला बाबा ने ये संदेश दिया था, उनको थोड़ा सा बताया कि ये कैसे मना बाबा की याद में मैंने कई बहनें होती है जो ऐसे ट्रांस में जाती है और पूछते हैं तो ऐसे हैं, बाकी अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है। फिर वो लोग लगभग 23 जने डॉक्टर अच्छे बड़े बड़े आबू में गए 3 दिन की शिविर की। वो अभी तक हमारे से कभी भी जाएं तो वो फी नहीं लेते हैं, हमारे से पैसे नहीं, फ्री सेवा करते हैं। और फिर ले गए थे, बच्ची भी अच्छी हो गई थी, जो मैंने गला की वो नस कट गई थी। तो ऐसे ऐसे बाबा बच्चों की कैसे मदद करते थे संदेश द्वारा भी, वो भी एक बाबा से काफ़ी मदद मिली। साकार में भी मम्मा बाबा से काफ़ी पालना ली, भले छोटे थे परंतु बाबा के जो वरदानी बोल थे, बाबा को मिलने पर बाबा ने जो जो वरदान दिए थे, उस समय तो इतनी समझ नहीं थी, जानते मन सुनते थे खुश होते थे, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये अभी समय बीत जाने के बाद हमें ख्याल आया कि बाबा के वो बोल कोई साधारण बोल नहीं, लेकिन वरदान थे जीवन के लिए, बहुत बड़े वरदान थे, जो प्रैक्टिकल हमने देखा कि बाबा ने कैसे वो हमने पूरे हुए, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब साकार बाबा थे उस समय तो ये पता भी नहीं था कि देश क्या और विदेश क्या है, लेकिन बाबा ने बोला कि पढ़ी लिखी होती तो बच्ची विदेश सेवा करती, तो मालूम ही नहीं था विदेश क्या चीज़ है, लेकिन बाबा ने सब जगह घुमाया, बाबा के जो बोल थे वो कैसे प्रैक्टिकल पूरे हुए। बाबा की हर हमेशा हमने देखा कि बाबा कैसे कैसे मदद करते रहे। और पढ़ाया कैसे पर दीदी टाइम पूरा हाँ। वैसे क्या था कि मेरे को बहुत बहुत दुख होता था और मन मेरे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन बहनों ने सिखाया। हमारी कृष्णा दीदी जो थी वो हमारी मेन टीचर थी और दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थे और दीदी बहुत बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत दीदी को रहम पड़ता था। दीदी ने कोशिश भी की कि कैलाश मैं तेरे को पढ़ाती हूँ, पर मैं हमेशा यही कहती थी मुझे पढ़ना ही नहीं आता है ना, बस ये बुद्धि में घुस गया था। लेकिन कई बार हम चाय लेकर के जावे, किसी को नाश्ता देवे, टोली देवे, अगर कोई भूल करके ये पूछे कि बहन आप कितना पढ़ी हुई हो, मेरे को इतना खराब लगता था, मैं यही सोचती थी कि सबको पता मैं अनपढ़ हूँ, फिर मेरे से क्यों पूछा, ऐसे मुझे बहुत फील होता होगा। और जब मेरे को बाबा ने जयपुर भेजा था और जयपुर से बाबा ने मेरे को फिर से आबू में बुलाया और पूछा बच्ची खुश हो, मैं जी बाबा, अच्छा लगता है जयपुर में, हाँ जी बाबा, खुश हो ना, जी बाबा, तो बाबा ने बोला बच्ची तू इतनी अच्छी थी, सब तेरे को बहुत प्यार करते थे, फिर तू ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी।
तो बाबा को बोला, बाबा मुझे बहने अच्छी लगी और आप अच्छे लगे और मुरली अच्छी लगी, तो मुरली रोज पढ़ती हो? तो बच्चे अच्छी लगती तो पढ़नी चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ऐसे ही मना देखते रहे मेरे को। बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो मना इतनी समझ नहीं थी कि किस ढंग से जवाब देना चाहिए। बाबा को बोल दिया कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, देखो ये कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है कि ड्रामा में नूंद नहीं है। फिर मैं चुप। बाबा ने बोला, बच्ची अगर तू पढ़ी लिखी होती तो विदेश सेवा करती। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है। जब बाबा ने ये बोला मैं बहुत खुश हुई कि बाबा को बहुत खुशी से पूछा कि बाबा मैं कैसे मरूंगी। बाबा मेरे को ना बीमार पड़ने का बहुत डर लगता था, तो बाबा को पूछा, बाबा मैं मरूंगी कैसे? बाबा ने बोला, बच्चे कुछ नहीं, काम करते करते सोएंगी और मर जाएंगी। तो ना मेरे से ऐसे बोला गया कि बाबा आप मिले उसकी खुशी है पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बड़ा आश्चर्य खाया, बच्ची सेंटर पर रहती हूँ? जी बाबा। तो बच्ची कोई दुख है ना? कोई कुछ बोलता है तेरे को? बच्ची कोई तकलीफ है? तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी ना तो फिर दूसरा जन्म लूंगी, छोटी बच्ची बनूंगी, फिर मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना? जी बाबा। अरे बच्ची तेरे को बाबा पढ़ाएंगा। बाबा को बोला, बाबा नहीं मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। बाबा ने बोला, नहीं पढ़ी है तभी तो बाबा पढ़ाएंगे ना बच्ची, शाम को 5 बजे के आसपास आना। फिर तो मना जब शाम को बाबा के पास गए तो बाबा के पास जो मना सारे दिन में जो लेटर आते थे वो ईशु दीदी सुनाती थी और दूसरे दिन सुबह को बाबा उत्तर लिखते थे उनका। तो बाबा सुन रहे थे और सभी दादियां भी बाबा के पास बैठी हुई थी। जैसे मैं दरवाजे पर खड़ी हुई तो बाबा ने देखा और ईशु दीदी को बोला, ईशु बच्ची देखो ये बच्ची आई है, पहाड़ी बच्ची मुझे बाबा बोलते थे। मैं बाबा के आगे पहाड़ी पंजाबी और हिंदी भाषा मिक्स बोलती थी। तो बाबा ने बोला, ये पहाड़ी बच्ची आई है और इसको बाबा पढ़ाने वाले हैं, इसलिए बच्ची ये लेटर थोड़े समय के बाद सुनता हूँ। तो सभी दादियाँ आश्चर्य में पड़ी, इतनी छोटी बालकी के लिए बाबा इतना टाइम गवाएंगा। बोला कि बाबा इसको तो कोई भी पढ़ा देंगे, आप इतना समय इसमें क्यों लगाते हो? क्या नहीं, बाबा ने बोला है तो बाबा पढ़ाएंगे। और बाबा ने ना लिखना शुरू किया, सिंधी में लिखना शुरू किया। बाबा ने बोला, बच्ची हिंदी करता सिंधी अच्छी है पढ़ने के लिए, बहुत सहज रीति से पढ़ सकेंगे। तो मेरे लिए तो हिंदी में बाबा पढ़ावे या सिंधी में या इंग्लिश जिसमें भी, मेरे लिए तो सब एक ही था, काला अक्षर बैंस बराबर। तो बाबा ने लिखना शुरू किया और इतने में एक या डेढ़ लाइन ही बाकी थी और रुक्मणी दादी ने जयपुर से फोन किया और बाबा ने लिया।
तो बाबा को बोला कि बाबा कैलाश पहाड़ी को जल्दी जयपुर भेज दो, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ आ रही है और हमारे पास हैंड्स कम है, तो कैलाश को भेजो। तो बाबा ने बात करके मेरे को देखा, बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जयपुर जाना होगा। जैसे ऐसा बोला मैं तो इतनी अंदर से दुखी दुखी हो गई, इतना दुख कि सचमुच मेरे ड्रामा में पढ़ना नूंदी नहीं है। ऐसे बहुत दुखी हुई पर मैं चुप थी बाबा के आगे। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जाना होगा, बच्ची आपको बुला रहे हैं जयपुर, वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ आ रही है और सेवा है बच्ची, तो अभी ही जाना है। मैं चुप, बच्ची तेरे को अभी उठ करके तैयारी करनी है, अभी शाम की ट्रेन में बुरी बच्ची छोड़ करके आती है। तो ने मैं बहुत दुखी होकर के बाबा को बोली कि बाबा 5 मिनट सब बैठेंगे हा? बाबा मैं सच बोली थी ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं है, ऐसे कह करके मैं बहुत रोई। फिर बाबा ने हमारे को शांत किया और जयपुर भी भेजा और बाबा ने बोला बच्ची शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो मैं ये भी सोच में पड़ी कि ऐसा कैसे, बाबा मधुबन रह जाएंगा, मैं जयपुर पहुंच जाएंगी, शिव बाबा ऊपर है वो भी गोल गोल है, तो वो मुझे कैसे पढ़ाएंगा। तो फिर भी बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है? जी बाबा। तो बाबा जो बोल रहा है ना उन बोलों पर भी विश्वास रखो, वो भी था, लेकिन मैंने बाबा पढ़ाएंगा कैसे ये मैं मूंझ रही थी। पर बाबा ने जब जयपुर में भेजा, सारा दिन तो बहुत अच्छी तरह बीत गया, पर जैसे रात हुई मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कैसे कैसे, लेकिन बाबा ने मना, जब मैं बाबा को याद कर रही थी सब सो गए थे और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं उठी और दादी के रूम के सामने ही ऑफिस थी, हम वहाँ बैठी और बाबा ने बोला था कॉपी पेन लेकर के बैठना, तो आनंद किशोर दादा से कॉपी और पेंसिल उन्होंने दी थी, वो लेकर के बैठी, बाबा को याद करती रही करती रही। याद करते करते बाबा ने बर्तन में बुलाया और देखा कि इस ओर से बाबा आ रहे हैं, इस ओर से मैं जा रही हूँ। बाबा ने बोला बच्ची बहुत चिंता करती थी। बाबा को बोला बाबा आपने बोला था शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो मैं यही सोच रही थी कि बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा बच्ची, रोज बाबा तेरे को मधुबन से पढ़ाने के लिए आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा। फिर बाबा ने जो मना पेंसिल थी वो बाबा ने मेरे ही हाथ में दी और मेरा ही हाथ पकड़ करके बाबा ने लिखाना शुरू किया कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखते हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखते हैं, मम्मा ज्ञान योग, ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने लिखना पढ़ना सिखाए। मैं लगभग 8 या 9 दिन हर रोज रात्रि को जाती थी, 10-15 मिनट बाबा ऊपर रखते होंगे और ऐसे करके बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया था। बाबा ने बोला बच्ची जो नहीं आता है वो बाबा ने सिखा दिया, अभी आगे जितनी मेहनत करेंगी उतना ही आगे जा सकेंगे। तो ऐसे बाबा ने बतन में पढ़ाया था और ऐसे फिर पढ़ना सीखी थी। तो बस बाबा का बहुत बहुत थैंक्स हूँ और आप सब का भी। आप सब सरला दीदी को लेकर के गांधीनगर घूमने आना, ठीक है, पिकनिक करने के लिए वहाँ खाएंगे। पिकनिक करने कौन कौन जाना चाहता हाथ खड़ा देखो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलो घूमने चलना है तो सब रेडी है। ऐसे आप सब ने भी वो ही दिखाया, हम सब रेडी है।
ठीक है, बनाएंगे प्रोग्राम। बाकी खूब खूब थैंक्स, आपने समय निकाला और बहुत अच्छे अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। आपने उसका सार ये समझा होगा कि बाबा ने अव्यक्त वतन में बुला करके ट्रांस के द्वारा भी बहुत सेवाएं की हैं। वो समय था जबकि बाबा को, मुझे भी याद है, कोई भी बात होता था ना तो फट से दादी के तीती जाओ वतन में, बाबा को पूछ करके आओ, हर बात बाबा को पूछ करके करते थे। आज समय है तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अव्यक्त स्थिति का प्रयोग करो और बाबा के संदेश को कैच करो। तो दोनों समय की महिमा है, लेकिन ये बाबा की वो अनुभवी मूर्त छोटेपन से बाबा के यज्ञ में, और बहुत भोली भाली आत्मा थी, लेकिन भोली भाली आत्मा को बाबा ने अपना इंस्ट्रूमेंट बना करके देश विदेश में सेवा के निमित्त बनाया। और आज जो सारे गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, बहुत पढ़ी लिखी बहने हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने निमित्त आत्मा किसको रखा है, तो ज़रूर वो कोई योग्यताएं होंगी जिसको बाबा ने देख करके निमित्त बनाया है। तो खूब 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 दिल से हम सब कैलाश दीदी का थैंक्स करते हैं। मैं जब अमेरिका का वीज़ा लेने गई, उषा दीदी ने बोला पासपोर्ट लेकर के आप बॉम्बे जाओ वीज़ा लेने के लिए, तो चली गई। मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या जाना होता है, मुझे बोला पासपोर्ट लेकर के जाना, तो चली गई। वहाँ पर जब सेंटर पर गई तो बहन ने बोला कि कैलाशमन आप वीज़ा की जो फाइल है ना वो दो। मैंने कहा बहन मैं तो कोई फाइल नहीं लाई। अरे बोला कागज होंगे, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी लेटर, कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो बोला बेस्ट ऑफ लक, पर तेरे को वीज़ा तो नहीं मिलेगा। फिर बोला कि अच्छा वीज़ा का जो लेटर आता है वो है। मैंने कहा ना कि बेस्ट ऑफ लक, पर आपको वीज़ा तो नहीं मिलेगा। फिर ऐसे बोले तो मेरे को थोड़ा अलग ऐसा लगता था कि ये बोल बेस्ट ऑफ लक भी कह रही है और वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर उसने बोला कि कैलाशमैन माना जो आप वीज़ा ऑफिस में जाएंगी तो जो उसने लेटर में लिखा ना वही क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन का तो क्या पता होना चाहिए ना, आपको बॉम्बे भेजा किसने? मैंने कहा उषा बहन ने। तो कि उषा बहन को फ़ोन करो। रात्रि मैंने बोला 10:30 सो गई होंगी बहन, बोला फिर भी उठाओ। फिर फ़ोन किया और उसने, मैंने कहा हमारा वीज़ा का जो लेटर है वो उसकी कॉपी हमारे को चाहिए। तो बोला वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो जिसके पास होवे उससे वो कॉपी चाहिए। फिर पता नहीं लुधियाना या कहाँ उसने फ़ोन किया, वो कॉपी मंगवाई और भेजी। फिर पता चला कि उसमें क्या लिखा है। फिर दूसरे दिन जल्दी उस बहन ने बोला कि आप जल्दी जल्दी सुबह तैयार होकर के जाना। हम गए और जब गए तो वहाँ पर मैं बहुत खड़ी नहीं रह सकती थी, तो थोड़ा तो खड़ी रही। फिर मैंने मना खड़ी नहीं रह सक रही थी तो किसी को बोला तो उसने बिठा दिया, जब आपका नंबर आएगा तब आप यहाँ से उठ करके बारी के पास जाना। भले तो वहाँ बैठी तो बोला बहन आप वीज़ा लेने आई है? मैं क्या हाँ। तो क्या फाइल? मैं क्या फाइल तो नहीं, पर मैं और राजू भाई दो जने गए थे, वैसे तीन थी पर वीज़ा दो जनों को लेना था। तो जब हमारा नंबर आया तो बोला इस बारी पर आप जाओ। तो देखा बारी पर गोरा भाई था। फिर हमने, हम घबराई, हमने बोला ये तो इंग्लिश बोलने वाला, तो वो तो मेरा भाषा नहीं समझेगा और मैं उसकी नहीं समझूंगी। तो मैंने राजू भाई को बोला राजू भाई ये भाई जो जो पूछे ना वो उसका आप ही उत्तर देना, मैं नहीं बोलूँगी। तो के भले जैसे बारी के पास हम लोगों को खड़ा किया, ऐसे मेरे को खड़ा किया, ऐसे भाई को खड़ा किया, लेकिन जो राजू भाई था थोड़ा पीछे खड़ा हो गया और जहाँ खड़ा बोला था होने का वहाँ नहीं था। तो वो जो बोलता था ना भाई वो राजू भाई को सुनाई नहीं देता था।
तो उसने पहले ही पूछा कहाँ जाना चाहते हो, तो राजू भाई ने बोला है, तो फिर मैंने बोला कि भैया अमेरिका, तो अमेरिका कहाँ, मैंने कहा डलास जाना है, तो के वहाँ आपका कौन है, मैंने कहा वहाँ हमारी क्लास का भाई है और उसको इच्छा है कि बहन आवे और अमेरिका देखे, और हमारे भी सेंटर हैं तो उसमें भी सेवाएं होती है इसलिए भी हम लोग जाते हैं। तो बोला कैसे मैं वीज़ा दूँ, आप कुछ भी तो लाई नहीं है, हमने वो पासपोर्ट तो रखा था उसके आगे। तो फिर मैंने बोला हाँ कोई हर्जा नहीं, हमारे को तो भैया वैसे भी इच्छा नहीं है, हमारे को जानकी दादी ने बोला था कि आप अमेरिका जाकर के सेवा करके आओ, तो इसलिए मैं आई हूँ, बाकी तो नहीं भेजेंगे तो मुझे कोई हर्जा नहीं है। तो फिर बोला कि कुछ भी आपका नहीं, बैंक बैलेंस है नहीं, कोई प्रॉपर्टी लेटर है, और आपका समझो इतना बड़ा अमेरिका जाएंगी कितना खर्च होगा, तो वो खर्च कौन करेगा, मैंने कहा हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था, तो क्या संस्था का लेटर है ना। तो फिर बोला कि फिर कैसे मना, हम निश्चय कैसे करें, तो मैंने बोला मुझे कोई अर्जा नहीं है, हम मैंने कहा मैं दो बार लंदन जाके आई हूँ, तो क्या लंदन गई हो, मैं हाँ जी। तो फिर उसने ना पासपोर्ट खोला तो बोला इतने देशों में क्यों गई थी, मैंने बोला ये जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ सब जगह सेंटर थे, सेवा के लिए गई और सेवा भी की, देश भी देखा, फिर वापस आई। तो बोला ठीक है, फिर उसने बोला कि समझो आप अमेरिका जाओ और जोरदार एक्सीडेंट होवे, आपके लाखों डॉलर वहाँ लग जाए तो खर्च कौन करेगा। मैंने बोला भैया मैंने आपको बोला ना कि मेरी संस्था करेंगी, मैंने बोला मेरे को 62 साल हो गए इस संस्था में, मेरी पूरी जीवन इस संस्था में गई, तो वही खर्च करेंगी ना, हम मना ऐसे थोड़ी है कि इतनी जीवन मेरी उसमें गई और वो खर्च नहीं करेंगे, लंदन वगैरह सब जगह मैं गई तो संस्था ने ही खर्च किया है। बोला ठीक है, बोला 62 वर्ष आपको संस्था में हो गए, हाँ जी, तो आप हो कितने वर्ष की, मैंने कहा मैं 73 की, 3 साल पहले मैंने बोला था। तो बोला अच्छा तो अब इतनी 10 साल 11 साल की उम्र में आ गई थी, मैंने कहा हाँ जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि इतने जब वर्षों वर्ष मेरे संस्था में गए तो हमारे जवाबदार हमारी संस्था है। बोला ठीक है ये पासपोर्ट उठा लो, उठा लिए, मैंने बोला अभी इसने मना कर दिया, उठा लिए तो अपने पास ले लिया। तो बोला बहन जी, तो के बहन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं क्या थैंक यू भैया, पर किस बात के लिए तो पता नहीं। फिर वो बोला बहन जी, तो के बहन 2-3 दिन में पासपोर्ट और वीज़ा आपके घर पे आ जाएगा, ओके, मैं क्या थैंक यू। ऐसे करके हमारे को वीज़ा मिला था।